एक लड़की डिजर्ट आइसलैंड में फंस जाती है और उसके चोट भी लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और अपनी नाक से तरल पदार्थ निकाल कर उसके घाव पर लगा देता है। अभी लड़की का घाव पूरी तरह से सही हो जाता है। फिर लड़की और मॉन्स्टर दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब लड़की को खाने के लिए खाना भी मिल चुका होता है, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है उससे काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है। इसी वजह से लड़की उसे पानी की तरफ ले जाती है और उसे नहलाने का सोचती है, लेकिन वो पानी से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। दोनों की मस्ती चल ही रही होती है, तभी लड़की को एक बोट आती हुई दिखती है। वो अपना स्कार्फ हिलाती है और बोट को अपने पास बुला लेती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बोट को देखते ही जंगल में कहीं गायब हो जाता है। बोट वाला लड़की से आ रही बैड स्मेल के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है। लड़की घर जाकर नहा भी लेती है, लेकिन वही इस बैड स्मेल उसको दोबारा से आती है। वो अपने स्कार्फ को उठाकर देखती है और उसे लैब में ले जाकर टेस्ट कराती है, तो उसे पता चलता है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक गैस कंपोनेंट है। उसके बाद लड़की के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो दोबारा से मॉन्स्टर के पास पहुंच जाती है। क्या तुम बता सकते हो लड़की दोबारा मॉन्स्टर के पास क्यों गई होगी?